यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और अब बात करते हैं धर्मशाला की, जहां पर पौंग बांध विस्थापितों ने अपने हकों के लिए रविवार को नगरोटा सूर्या में संघर्ष का बिगुला फूंक दिया है। ढेरा के विधायक होशियार सिंह की अध्यक्षता में पौंग डैम संघर्ष समिति ने एक जनसभा कर आर पार की लड़ाई का शंखनाद किया। उन्होंने कहा कि अगर 6 माह में लंबित मुआवजा ना मिला तो सभी पौंग बांध विस्थापित जल समाधि लेंगे, डैम में पानी नहीं चढ़ने देंगे। साथ ही ये भी कहा कि हिमाचल सरकार राजस्थान से मुआवजा दिलाए या फिर उनकी जमीनें वापस करे। 6 महीने के अंदर अगर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो विस्थापित अपनी जमीन वापस ले लेंगे। वे राजस्थान सरकार के साथ हुए करनामे को नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश तथा केंद्र सरकार को चेतावनी दी गई है, यदि पौंग बांध विस्थापितों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार राजस्थान में जो भूमि आवंटित हुई है वो नहीं दी गई तो वो विस्थापितों के हक के लिए हाई कोर्ट में रिट करेंगे। यदि विस्थापितों को राजस्थान में जमीन नहीं मिली तो फिर हम यहाँ का बिजली और पानी जो पौंग डैम से राजस्थान को जाता है उसे बंद कर देंगे। उन्होंने सभी पौंग विस्थापितों से कहा कि जो जमीन बांध का जलस्तर से कम जाने की खाली हो जाती है उस पर बिजाई की जाए, यह उनका हक है। उन्होंने कहा यदि सरकार जमीन नहीं दे सकती तो नर्मदा बांध की तरह विस्थापितों को उनके मुरब्बे के 9 करोड़ रुपए दिए जाएं।